नमस्ते, आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे शहतूत का प्लांट लगाने और इसमें कैसा फल आता है और ये किस महीने में फ्लावर देता है और इसमें कितना खाद देने से ये फ्लावर आराम से देने लगता है और इसका प्लांट कहाँ मिलेगा और ये कहाँ से आप ला सकते हैं और किस महीने लगा सकते हैं पूरे विधि और ये इसका क्या क्या चीज़ लग सकता है। ऐसे वो शहतूत आमतौर पे गांव देहात में आपको बहुत सारा प्लांट मिल जाएगा। ये देखिए बगल में पोखर है, पोखर के बगल में ये प्लांट है। इस पोखर पे पुल बना हुआ है, उसी पुल पे है नदी था, उसी पे देखिए कितना सारा ये हरा भरा है। हरा वाला नहीं है, ये वाइट वाला शहतूत है। एक रेड रेड वाला आता है, एक ब्लैक वाला आता है, एक वाइट वाला। ये वाइट वाला है, इसमें वाइट में भी बहुत सारा अच्छा फ्लावर आता है। देखिए ये ब्लैक नहीं होगा, ये वाइट टाइप का रहेगा। ये दूसरा वेराइटी है, बहुत सारा इसमें वेराइटी आता है। इसमें बड़का बहुत बड़ा भी आता है, जो फलेना टाइप का रहता है, मतलब एक उंगली जितना बड़ा रहता है। और ये बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है, ये खाने के लिए लोग कहाँ से कहाँ खरीदने के लिए पहुँचते हैं। ये तो आपके पेट रोग के लिए बहुत अच्छा है, आपको किडनी की समस्या है तो ये बहुत अच्छा है। एंटी ऑक्सीडेंट है और ये रक्तचाप भी कंट्रोल करता है। यह सीजनल फ्लावर है, मतलब फ्रूट है। अभी इस सीजन में, मतलब अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, तो अभी इसका फ्रूट बहुत सारा मिल जाएगा आपको जो एक भी प्लांट पे। और ये प्लांट पे अभी 10-20 हज़ार फ्लावर, मतलब फ्रूट है। देखिए एक डाली में 100 फ्रूट है, इतना सारा है। हम रोजाना यहाँ आते हैं तो तोड़ के खाते हैं। आप भी अपने गांव देहात में इसे देख सकते हैं। अगर आप वहाँ हैं शहर में तो आप इसका प्लांट लगा सकते हैं नर्सरी से लाके। इसे मलबेरी भी कहा जाता है, मलबेरी के नाम से अमेजन या कहीं पे मिल जाएगा। और ये ऐसे गांव देहात में शहतूत या तूत कहा जाता है, तूत के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी तो अमूमन खाने में थोड़ा खट्टा भी लगता है, लेकिन इसमें भी विटामिन सी भी पाया जाता है, इसलिए ये भी थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन ये इससे अच्छा रहता है स्ट्रॉबेरी से। और ये देखिए बहुत सारा बड़ा प्लांट है, ऐसे ही इसका मुन्ना प्लांट 20 वाला है। और एक आता है ग्राफ्ट वाला और एक आता है कटिंग वाला। कटिंग वाला भी अच्छा होता है, ग्राफ्ट वाला भी अच्छा होता है। और इसका प्लांट भी बहुत अच्छा है, देखिए कितना बड़ा प्लांट है। ऐसे इसमें ये बड़ा वाला है, कटिंग वाला जो होता है वो छोटा थोड़ा रहता है और ग्राफ्टेड वाला भी छोटा ही रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये अपने आप जन्म जाता है बीज के द्वारा। बीज अमूनम बीज के द्वारा लगाने से आपको 4-5 साल लग जाएगा इसका, मतलब फ्रूट देने में। ऐसे कटिंग ला सकते हैं और आप अमेजन से मंगवा के भी कटिंग लगवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा रहता है। आप नर्सरी से जो मंगवाए वो थोड़ा उससे सस्ता रहता है। नर्सरी वाला आपको इसे 50 या 60 रुपये में मिल जाएगा, या 30-40 में भी मिल जाएगा, ये इतना थोड़ा कम दाम रहता है। और ये तूत अभी इस समय फरता है, इसलिए अभी तो इसका प्लांट आपको नर्सरी में ज़रूर अवेलेबल हो जाता है। आप स्ट्रॉबेरी के, मलबेरी इसका नाम है, स्ट्रॉबेरी नहीं कहिएगा, स्ट्रॉबेरी ठंड में ही रहता है, लेकिन ये सालों साल चलने वाला है। अगर इसका प्लांट कहीं देखे तो वहाँ से एक 6-7 इंच का कटिंग ले आए, उसे 2-3 इंच अंदर लगा दे मिट्टी में। ये तुरंत आपको 2-3 महीने में एकदम इसका प्लांट देना स्टार्ट कर देगा और ये प्लांट होना स्टार्ट कर देगा। अगर बीज से ग्रो करना चाह रहे हैं तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। इसका स्ट्रॉबेरी की तरह ही ऊपर में बीज रहता है और इसका कटिंग भी लगाना उतना ही आसान है। इससे पहले भी वीडियो कटिंग पे एक बार बनाए थे, वो आप देख सकते हैं कैसे लगता है कटिंग। देखिए कितना बड़ा प्लांट है। और इसे आप छटाई कर दे, जब ये फल्ला ख़त्म हो जाए उसके बाद, तो फिर अपने आप रूट निकलते रहेगा और प्लांट बनते रहेगा। इस पे भी, इसी पे रेशम के कीट को पाला जाता है, जो कि रेशम का कीड़ा जो पाला जाता है उसे इसी पे पाला जाता है, इसलिए लोग इसका प्लांट ज़रूर लगाते हैं। और इसका खेती बहुत बहुत दूर तक होता है, इस पे रेशम का कीट आसानी से रह जाता है। और ये देखिए कितना बहुत सारा है, देखिए एक हरा वाला जो होता है ये अपने ब्लैक हो जाएगा, या वाइट वाला रहेगा तो वाइट हो जाएगा, या लाल रेड वाला रहेगा तो रेड हो जाएगा। इसमें एक छोटा आटा है, ये बड़ा बड़ा है, और एक इससे भी बड़ा आता है। ये मझोला उतना बड़ा नहीं है जितना वो बड़ा वाला सबसे बड़ा आता है, वो ग्राफ्टेड मिलता है। अगर बीज से लगाना सोचेंगे तो वो छोटा हो जाएगा फ्लावर, इसलिए लोग बीज से नहीं लगा मेरे।